सज्जे खड़े पे सिविल लोग चलने फिर नजर आ रहे हैं, ठोकर जो नजर आ रहा है ना उसे मारो फायर। ठीक, जो भी आपको चिंता फिक्र, जो हरकत करता है इंसान नजर आए ना, ठीक, उसको फायर मारा। वैसे कितने लोग इन्होंने काउंट किए हैं जो हत्या हुई है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं भजन? कितने लोग मीडिया बता रहा है कि कम से कम सारे ऑपरेशन में हत्या हुई? अभी सैकड़ों में चल रहा है काम। ठीक, अच्छा, मतलब अपने आप को अपने बचाना है। एक बंदा जो है ना वो हमेशा ऑफर है, तो जो जहाँ से आपको मूवमेंट नजर आती है बंदा जो छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह। तो अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ तो ये जो है क्या नाम है इसका, जो मैक्सिकन औरत है जी, इसका इसका अगर मतलब मीडिया में इससे हम बात करवाएं, ये खुद मीडिया को बताया कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, तो मतलब मैं बचना चाहती हूँ, मुझे बचाया जाए। हाँ, जैसे लेकिन ये अपना ख्याल ये रखना है कि ये ना कोई भी ऐसी बात आप लोगों के हवाले से ना, कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने यरगमाली हैं, ऐसी बात ना बताए तो फिर ये कि इससे ना बड़ा फायदा होगा, दबाव बन जाएगा बहुत ज्यादा। पहले भी ये थोड़ा सा खोलने लगी थी, मैंने फोन लेके बंद कर दिया। खोलेगा ना, क्या हुआ था? जब उधर बात कर रहे थे ना, हाँ, दिल्ली में, तो मैंने जब ये थोड़ा सा ओपन होने लगी सारी सिचुएशन, जगह करने लगी, मैंने फिर मोबाइल लेके बंद कर दिया। हाँ बेहतरीन, बस ये बात सही है। हाँ क्या हुआ? हाँ इन्होंने फेंका है जो आप अभी, उसका कोई बताया उन्होंने नुकसान बताया कोई? जो आपने ग्रेनेड फेंका वो अभी मीडिया पे शोर मच गया है, ठीक है? जो आपने ग्रेनेड फेंका ना अभी मीडिया में, उससे ना शोर मच गया है। ये नहीं बता रहे अभी, बस ये कि वहाँ से ग्रेनेड फेंका गया, तो इतना बता रहे थे। अच्छा फिर ना एक मिनट होल्ड करो। अच्छा पहले जिंदल पर बयान ना लिखवा देना इन्होंने। अच्छा जिंदल भाई ने जब आपको कोई बयान लिखवाया था वो है आपके पास? नहीं, वो मैंने रात जला दिया, मैं तो मुझे याद है वो, लेकिन वो नहीं, इधर के हवाले से नहीं है। हाँ वो ये ना मुख्तसर सा एक बयान आपको जिंदल भाई लिखवाएंगे। वो इधर के हवाले से नहीं था, वो ओपन ट्रायल में था, क्योंकि हमने खास एक वो टेप गिर जाएगा। नहीं वो आपको ना अभी यहाँ के हवाले से लिखवाते हैं खास। हाँ लिखवाएंगे, तो फिर जब ये जिंदल भाई साहब फारिग हो जाएंगे ना, फिर आपने मेरे उससे बात करवानी, मैं उसे समझाऊंगा कि मीडिया को उसने क्या कहना है। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि वो बताए कि उनकी टोटल तादाद कितनी है, या वो ये बताए कि मतलब ना यहाँ पे कितने लोग हैं, क्या है, कोई ऐसी बात हो ना तो आपने फौरी तौर वो कर देना है, मोबाइल लेके बंद कर देना है। थोड़ा मुख्तसर हो वैसे सही लफ्ज जरा बोल नहीं। ये ना आप लिखे नहीं लिखवाएं, लेकिन जल्दी भरवा सकते, वो लाइन होल्ड पे है यार। ये कैसा भाई से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सारे मोहतरम? ठीक हो, खैरियत है? यार मैं साथ नहीं, बस दुआ करना तुसी कि अल्लाह मेनू बड़े पास याद ने करे जड़े तुसी बस साडे वास्ते। ठीक है यार, मैं ना एक तुम शेर लिखवाना सी, अगर तुसी ओ अपनी गल दे आखिर ते जड़ा ना, अगर तुसी इनु देखो सही वजन दे नाल पूरे तरले ना पढ़ दे, इंशाल्लाह बाद विच लोगों वास्ते राह रहेगा। ठीक है, बोलो। लिखोगे? हां जी। ये सच है कि हम अंधेरों का तसल्लुत है मगर, ये सच है,
شمعیں بجھنے نہ دیں گے ظلم کے ایوانوں میں. یہ سچ ہے کہ اندھیروں کا تسلط ہے مگر شمعیں بجھنے نہ دیں گے ظلم کے ایوانوں میں آندیاں ظلم و تشدد کی بہت تیز سہی ہمیں وہ دیپ ہیں آندیاں ظلم و تشدد کی بہت تیز سہی آندیاں ظلم و تشدد کی بہت تیز سہی. ہلو ہاں سنتا ہوں سنتا لکھ لیا جی ہاں جی. ہم ہی وہ دیپ ہیں جنہیں جلنا ہے طوفانوں میں ہم ہی وہ دیپ ہیں جنہیں جلنا ہے طوفانوں میں. چھوٹا جا جملہ تسی لا دیو کہ جڑا نا سارے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے میں پیغام مسلمان نوجوانوں کے لیے پیغام دیتا ہوں کہ وہ اسلام کی خاطر اپنی جوانیاں قربان کر دیں. ہاں جی نا بے شک اپنے کو وزن والا جملہ ہوئے باقی تمہیں جڑا نا وہ جنگل بھائی لکھوا دے رہے تھی جڑا نا اصل بیان کی دینا اس تو بعد جانا ہے تو لہجہ دیکھ لو انگلش جو جن زیادہ لفظ استعمال کر سکتے ہو کرو تو باقی ہندی دے استعمال کر کے تو انہوں نے سوالوں کے جواب نہیں دینے وہ بعد چ تبصرہ کر دیں کہ اچھا یہاں کا لہجہ ہے فلانا ہے فلانا تھی اپنی گل کرو تو باقی انہوں نے جانا وہ جی گل کروانی ہے وہ پہ کروا دو. اگر وہ یہ بات کرتے ہوئے نا بندوں کا تعداد آپ نے اپنی مرضی کی کہنا ہے اس کو بتائے اور خود بھی جب بتانی ہے تو آپ نے تعداد جو ہے نا وہ جو ہے نا بڑھ کے بتانی ہے 14-15 نہیں بس 4-5 نا 5-6-4-5 اتنا ہی جنا. اچھا اس کے علاوہ نا صحیح پوری قوت کے نا بات کرنی ہے کیونکہ یہ پیغام آپ کا میڈیا پہ گھنٹوں چلے گا انشاءاللہ اور بعد میں جو بھی اس کے رپیئر ہوگی اس کے اندر یہ بیان بار بار آئیں گے تو یہ یعنی اس مجاہدین کی شاہی کی عزت کا مسئلہ بناتے ہیں بعد میں تو یہ آپ نے صحیح آواز کے ساتھ پانی اگر ہے تو پی لیں تسلی کے ساتھ بیان دیں اگر نہیں سمجھ آ رہی فون کاٹ دیں یا آگے ہاتھ رکھ لیں ٹھیک ان شاء اللہ. مفتی مکرم بیان کا کنڈم کرنا مفتی مکرم نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس کا کنڈم. السلام علیکم ہلو السلام علیکم کیا نام ہے؟ ہلو وعلیکم السلام. ٹھیک وعلیکم السلام کیسے ہو بھیا؟ الحمدللہ آپ سنا بڑا شکر ہے اللہ کا. تو جو میں نے آپ کو جو جملے لکھائے تھے نا ہاں جی اس میں تو کچھ نہ کچھ تو یاد ہوں گا نا آپ کو. ہاں یاد تو مجھے کافی ہیں لیکن وسیع بھائی کہہ رہے تھے کہ ادھر ایسٹ گڑیا والے تھے نا تو ادھر کا باتیں نہیں کرنا بلکہ نا ادھر اسرائیل کی زیادہ باتیں کرنی ہیں اور اسرائیلی کاٹ جوڑ جو ہے اور یہ بندن بنا ہوا ہے اسلحے کا آنا جانا اور ادھر آرمی چیف آنا بیت المقدس پہ مسلمانوں کے ساتھ اور غزہ کی ناکہ بندی کرنا ادھر سامان راشن واشن نہ پہنچانا یعنی اس اسٹیٹ کا ہونا چاہیے ایسے اس کو جملے لکھو. ہاں یہی ہونا چاہیے. دوسرا بات وہ پوچھیں گے آپ کہاں کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ ہاں جی وہ آپ کو پوچھیں گے کہاں کر رہے ہیں تو آپ نے بتانا ہے میں حیدرآباد دکن کا ہوں.
हैदराबाद सिटी का, ठीक है, हैदराबाद दक्कन, हैदराबाद सिटी का, हैदराबाद दक्कन सिटी का मैं हूँ और चौकी का मेरा एरिया है, ठीक है, चौकी टोली चौकी, टोली चौकी, टोली चौकी, हाँ, और किस तंजीम से पूछेंगे तो मेरा नाम मुजाहिदीन हैदराबाद दक्कन से मेरा ताल्लुक है, ठीक है, ठीक, किस तंजीम से, मुजाहिदीन हैदराबाद दक्कन, मुजाहिदीन हैदराबाद दक्कन, मुजाहिदीन, हाँ बस यही, हाँ इसी तंजीम से मेरा ताल्लुक है। और उन्होंने कहेंगे ये एक्टिविटीज क्यों की है, तो उन्होंने बोला कि हम हुकूमत की दोहरी पॉलिसी, आप लिख रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी, हुकूमत की दोहरी पॉलिसी, हुकूमत जो है तो पीठ थपथपाती है और प्रशासन जो है तो सर पर टोले मारती है, हुकूमत की दोहरी पॉलिसी, हुकूमत जो है तो पीठ थपथपाती है, हुकूमत पीठ थपथपाती है, पीठ थपथपाती है, थपथप और प्रशासन जो है तो सर पर टोले मारता है, सर पर टोले है, सर पर टोले मारता, इसकी ताजा मिसाल सच्चर कमेटी की सिफारिशात है, इसकी ताजा मिसाल, ताजा मिसाल सच्चर कमेटी की सिफारिशात है, सच्चर कमेटी की सिफारिश, हाँ, जिस तरह हुकूमत जो है तो मराठ का ऐलान करती है और उसके बरअक्स प्रशासन जो है तो मुस्लिम युवकों को पकड़ पकड़ कर गिरफ्तार करती है, हुकूमत कुछ और ऐलान करती है और प्रशासन उसका अमल, प्रशासन उसका अमल ऐलान करती है और प्रशासन उसका अमल, उसका अमल मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर देता है, मुस्लिम युवकों को, मुस्लिम नौजवानों को, चलो मुस्लिम मुस्लिम नौजवानों को, नौजवानों को गिरफ्तार करके साबित करता है, गिरफ्तार करती है, उनका जो है तो फ्यूचर जो है तो बर्बाद है, और ये उनको ये अल्टीमेटम दे दे, ये तो हमारा अभी तो ट्रेलर है, अभी असल फिल्म का भी बाकी है, हुकूमत ये बात जान ले कि ये तो हमारा ट्रेलर है, अभी असल फिल्म बाकी है, सरकार ये जान ले कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, जान ले कि ये तो अभी ट्रेलर ट्रेलर है, ट्रेलर ट्रेलर है, एक छोटा सा ना छोटा सा उदाहरण है या छोटा सा एग्जाम्पल है, ट्रेलर है ये, एग्जाम्पल ये छोटा सा एग्जाम्पल जो हमने आपको दिखाया है, फिल्म तो भी सारा पड़ा है, ये है फिल्म तो भी सारा पड़ा है, मैंने उनको कहा ये तो एक छोटा सा नमूना है, अभी हुकूमत को आगे देखना है कि और क्या क्या होता है आगे, सरकार देखेगी क्या होता है, एक मिनट, 313 ब्रिगेड हमारी तश्कील हो चुकी, 300 ब्रिगेड नहीं नहीं मतलब हमारा 313 ब्रिगेड का जो एक्शन अगला एक्शन जो 13 ब्रिगेड का, ठीक है, ठीक ठीक, हेलो, हाँ जी हाँ जी, इत्मीनान के साथ, इत्मीनान के तो बगैर हिचकिच बगैर घबराहट के, ठीक है, ज्यादा अपनी बात करनी है उनको, उनको सवाल करने का मौका कम देना है, ठीक इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक इंशाल्लाह, और एक मिनट वो औरत की बात करवानी, सियासी काम है मुझे नहीं आता, अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम, हाँ जी भाई जान समझ आ गई सारी मुतालबात, अल्हम्दुलिल्लाह मुतालबात,
हजार रुपये जो आपने पहले लिखाए थे वही है ना? उसी भाई एक मिनट ये वो कहेंगे ना आपकी डिमांड क्या है। हेलो हाँ जी, कहना कि जितने भी मुसलमान जेलों में कैद उनको रिहा किया जाए। एक नंबर सारे मुसलमान रिहा, जितने भी मुसलमान जेलों में बंद है उन्हें रिहा किया जाए। ठीक है। नंबर दो जी, मुस्लिम स्टेट्स मुसलमानों के हवाले कर दी जाए। ठीक, मुसलमानों के। नंबर तीन, कश्मीर से फौज बुलाई जाए और उनको उनका हक दिया जाए, कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। कश्मीर से फौज वापस बुलाई जाए और उनको उनका हक दिया जाए। ठीक है। बाबरी मस्जिद पर फौरी तौर पर मस्जिद का काम शुरू किया जाए। बाबरी मस्जिद की जगह पर फौरी मस्जिद का काम शुरू किया जाए। उस जगह को मुसलमानों के हवाले किया जाए। ठीक है। उस जगह को मुसलमानों के हवाले किया जाए। मुसलमानों के हवाले किया जाए। इसराइल के साथ गठबंधन ना किया जाए। इसराइल के साथ हाँ गठजोड़ ना किया जाए। फिलिस्तीन निकालो। हेलो जी जी, और इसराइल हुकूमत को ये बावर ये मतलब मुतालबा दिया जाए कि वो फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म ज्यादती बंद करे। और इसराइल को फिलिस्तीन और इसराइल को ये अल्टीमेटम दिया जाए या ये इनको ये बावर किया जाए कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती बंद करें। ये भाई ये मुसलमानों के खून से खेलना छोड़ दे। हाँ छोड़ दे। उब्राई ने धमाकू किया हुआ लिखे जी जी। अगर इसराइल इस तरह का नहीं करेगा तो पूरे यही बस चलो ठीक है जी जी, ये नहीं कहना हमारे से लेसन करेगा बस। हाँ बस, हाँ बस यही कहा। चलो वैसे भाई बोलो। और इसराइल जो है ना, इसराइल जो है तो भारत के मुसलमानों के मामलात के अंदर दखल अंदाजी ना करे। और इसराइल इसराइल जो है तो भारत के मुसलमानों के मामलात के अंदर दखल अंदाजी ना करे। ठीक है ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचू एक मिनट, चाचू के चल गए ना बैंक में? चाचू अच्छा, किस नंबर पर करानी बात है उनकी? नहीं नहीं कुछ गए वगैरह, एक ही जो करा जा रहा है। जो आपकी जगह है ना, ये निर्मल पॉइंट के नाम से वो लोग कह रहे हैं, निर्मल पॉइंट पे आतंकवादी यहाँ, तो आपने ये कहना मैं निर्मल पॉइंट से बात कर रहा हूँ। निर्मल पॉइंट नरीमन। लेकिन साथ साथ ख्याल रखना बाहर का भी।
सर जो बातें हैं जुंजल भाई ने सिर्फ यही स्पीक करनी है भाई। जी जी हाँ जी कहें सारी जो बातें जुंजल भाई ने लिखाई है आपने लिखी है ना आपने कोशिश ये करनी है कि उस वक्त ना सिर्फ लिखा हुआ पढ़ना है बता रहा हूँ ना जो बातें जुंजल भाई ने लिखाई है सिर्फ वही स्पीक करनी है या मैनेजमेंट करनी है सिर्फ वही ठीक है ठीक तो एक मिनट होल्ड करो उन्हें पहले एक बार आप गाल कर लो बात के करा दो यार माली की गाल किसी को ऐसे चीज का लाना करा हाँ भजन नंबर लिखे ये जी टी वी ऑफिस का नंबर है 0120 2511 0604 0120251064 दोबारा एक दफा 0120251064 बस हाँ ये हाँ बस यही और आपका जो है ना आपका नंबर जिससे आप ये कॉल करें बताऊँ आपको लिखें और पूछेंगे आपसे आपका नंबर है 9814635030 ठीक है जी 9819464530 जी 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 ये मेरा नंबर है मैंने उसको बोलना है कि मैं आतंकवाद बोल रहा हूँ मेरी मनपांड से ये मेरा नंबर है कल मुझे कॉल करें हाँ बिल्कुल ठीक वैसे भाई कहें जो यानी उनको ये निर्मल जो है ना निर्मल बिल्डिंग से उन्हें कहें हमारे पास हॉस्टेज हैं तो आप हमें जो है ना इस नंबर पे मुझे फोन करो कॉल बात करना चाहता हूँ ठीक हेलो